मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी मजहब के क्यों ना हो। लोगों ने बताया कि मुस्लिम समुदाय आजादी के समय से देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क की तरक्की में सहयोग दे रहा है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया में कुछ असामाजिक तत्व तस्वीरें वायरल कर शहर और आवाम की फिजा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय ने मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही में इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए। करोड़ों नागरिकों को बराबरी का हक है और इस मुल्क के कानून में भी जो कानून के खिलाफ वर्जी करता है उसको सजा देने का बराबर हक है, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी का हो या हिंदुस्तान की किसी भी धर्म या मजहब का मानने वाला हो। पिछले कुछ समय से ऐसा हमें महसूस होता है कि हिंदुस्तान के वो मुसलमान जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में अपना खून बहाया है, जो इनके बाद दादा इस मुल्क में दफन हुएंगे, वो खुद भी इस मुल्क में दफन होंगे, उनका नाम पूछ के उनके ऊपर जुल्म करा जाता है। हमारे साथ क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात यह कि हिंदुस्तान के कानून का खुलेआम मजाक उड़ाया जाता है।